हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में साइंस ओलंपियाड क्लास एट के जो पास्ट ईयर में पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे 2022 2022 के जो पेपर्स हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनको चैप्टर वाइज आज इस वीडियो में देखेंगे ये क्वेश्चंस आपके अन्य जो साइंस एग्ज़ाम्स हैं जैसे विद्यार्थी विज्ञान मंथन या अन्य एग्जाम्स उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे जूनियर लेवल के लिए तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हल करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ अनोदर मैग्नेट मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल तो कह रहा है कि साउथ पोल अट्रैक्ट्स अनोदर मैगनेट्स नॉर्थ पोल दूसरा कह रहा है एटमोस्फिर दूसरी मैगनेट हमारी है तो उसमें मान लीजिए साउथ और नॉर्थ है तो ये दूसरों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मास ऑफ एयर इन द कॉलम ऑफ यूनिट एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर मास मास नहीं ये पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है यानी पी इक्वल टू अपॉन ए प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं पी इक्वल टू एफान ए से मास नहीं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो ये सही नहीं हो सकता है पहला था कि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं सही है नेक्स्ट कह रहा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हेयर फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ये गलत है कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो पैरेलल ना होकर के वो परपेंडिकुलर होता है प्रेशर तब कहते हैं जब फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली यानी नाइन्टी डिग्री एंगल पे जब फोर्स अप्लाई होता है किसी यूनिट एरिया पे तो उसको हम प्रेशर कहते हैं तो ये भी सही नहीं है तो दूसरा वाला भी गलत है ये भी गलत है द इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स कम्स इन टू प्ले वन बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट नो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स जो है मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है कोई ज़रूरी नहीं कॉन्टेक्ट में हो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट and same charges repel each other so here the correct answer is first a the north pole of a magnet attracts south pole of another magnet next question uh, a block of mass 10 kg is suspended through two light spring here you can see in this question there are two balances

द रीडिंग कैन बी एनी थिंग बट दे आर समी टेन के जी नो जो टेन के जी वेट है वो इससे सस्पेंड हो रहा तो इसमें तो टेन के जी दिखेगा ही और ये इससे सस्पेंड हो रहा तो यहाँ पर भी टेन के जी सो होगा तो दोनों बैलेंसेज में टेन के जी वेट शो होगा टेन के जी मास क्योंकि यहाँ पर जो मास ऑफ द बैलेंस है उसको निगलेक्ट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड

रेस्ट में है यानी कि मोशन नहीं हो रहा है जब मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कैसा है कि ये दोनों कैसे फोर्स हैं ये वैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इसलिए कोई मोशन नहीं हो रहा है और बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो बोथ एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर दोनों के द्वारा सेम फोर्स लगाया जा रहा है इसलिए कोई भी मोशन नहीं हो रहा सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट फिग गिवन फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स विल बी जीरो यहां भी वैसे ही क्वेश्चन है कि एक ये ऑब्जेक्ट है इस पर ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और यहां पे उसी ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लग रहा है एक पर्सन के द्वारा इधर से फोर्स लग रहा है दूसरे के दो हैं। किस में of, दोनों इसमें दोनों एक साइड में लग रहे हैं इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा टू एफ एफ फोर्स इसके द्वारा लग रहा है एफ फोर्स दूसरे के द्वारा लग रहा है लेकिन इस केस में सेकेंड केस में क्या है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा नेट फोर्स ज़ीरो तो केस टू केस टू में जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा फर्स्ट में नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल टू है ये टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा गया देयर आर थ्री लॉन्ग प्लैंक्स इस तरीके से तीन प्लैंक्स दिए गए हैं वन टू थ्री ईच ऑफ लेंथ फाइव मीटर पाँचों तीनों की लेंथ फाइव मीटर है थ्री आइडेंटिकल बॉल्स आर प्लेस्ड ऑन द प्लैंक्स आई सोन इन द फिगर बॉल्स रखी हुई हैं तीनों पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाई प्लैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ वन एफ टू एफ थ्री रिस्पेक्टिवली तीनों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसके द्वारा हो रहा है एफ वन इसके द्वारा हो रहा है एफ टू और इसके द्वारा हो रहा है एफ थ्री तो यह कह रहा है कि इफ द सेम फोर्स इज गिवन टू ईच बॉल मतलब इन सब पे जो है सेम फोर्स लगा दिया गया है एफ फोर्स मान लीजिए सब पे अप्लाई किया गया देन टाइम टेकन टू लीव द प्लैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइमिंग जो है टाइमिंग पहली वाली जो वॉल है इसको छोड़ने का टाइमिंग है टू मिनट्स इसको छोड़ने का टाइमिंग है वन मिनट और इसको छोड़ने का टाइम है फोर मिनट यानी कि जो थर्ड वॉल है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है इसको छोड़ने के लिए यानी कि इसका मोशन सबसे स्लो है सबसे स्लो मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा इसका तो एफ थ्री इज ग्रेटर एंड आफ्टर दिस द टाइम टेकन टू बॉल फर्स्ट इज ग्रेटर यानी टू मिनट्स तो एफ टू सबसे ज़्यादा है उसके बाद एफ वन उसके बाद एफ वन और फिर उसके बाद आएगा एफ टू एफ टू में सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत सबसे कम टाइम में क्रॉस कर गया उसको तो इसमें एफ थ्री इज ग्रेटर दैन एफ वन इज़ ग्रेटर देन एफ टू नेक्स्ट क्वेश्चन द बल्ब ऑफ ए मरकरी थर्मोमीटर इच प्लेसड फर्स्ट इन ए मिल्टिंग आइस एक थर्मोमीटर है उसको आइस में रखा गया है एट स्टैंडर्ड प्रेशर देन इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर पहले इसको हमने कहाँ पे रखा इस टाइप से मान लीजिए पहले हमारा आइस में रखा यानी कि ये हमारा ज़ीरो डिग्री सेल्सियस है आइस और यहाँ पर हमने फिर रखा ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा क्या है स्टीम तो अब फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इन द यूनिफॉर्म ट्यूब केसेज इज थर्टी मिली मीटर यहाँ पर उसका कितना है थर्टी मीटर थर्टी मिली मीटर सॉरी और जब ऊपर उसको रखते हैं तो वन एट्टी तो टोटल तो जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वो इनके बीच के इक्वल है यानी थर्टी टू वन एट्टी तो डिफरेंस यहाँ कितना आ गया वन फिफ्टी वन फिफ्टी mm का डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए फिर कह रहा है कि 60 एम mm यदि पारा चढ़ता है किसी एक्स लिक्विड में उसको रखा गया तो वो कितना टेम्परेचर होगा तो 60 में क्या होगा 30 तो नीचे का माइनस हो गया 30 जीरो पे है तो ये तो 30 नीचे माइनस हो गया अब ऊपर कितना है 60। तो 30 प्लस 30, तो 30 एम mm, एम यहां पर वन डिग्री का यदि हम निकाल लें वन डिग्री सेल्सियस जो है वन पॉइंट फाइव एम के इक्वल आ जाएगा वन पॉइंट फाइव एम एम और यहाँ पर कितने एम mm एम है थर्टी एम एम है जीरो से ऊपर तो इसको डिवाइड कर देंगे वन पॉइंट फाइव से तो ये आ जाएगा फिफ्टीन टू या थर्टी यानी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस कि जो सिक्सटी एम एम है हाइट आ, आ, मरकरी की तो उसका टेम्परेचर कितना होगा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस क्योंकि वन डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो आ गया है वन पॉइंट फाइव एम अब वन पॉइंट फाइव एम एम जब आ गया है तो सिक्सटी एम एम सिक्सटी में थर्टी तो नीचे चला जाएगा क्योंकि हमारा जो मीटर स्टार्ट हो रहा है वो थर्टी एम एम से ही स्टार्ट हो रहा है तो थर्टी अपॉन वन पॉइंट टू फाइव इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द गिवेन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मिजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्पीडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल में वो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करता है सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेक इन एवरेज वी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो दोनों सही हैं लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा सॉरी सॉरी सेकंड नहीं हां बी ऑप्शन करेक्ट होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू वट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन एक्थ क्वेश्चन विच कंबिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स सही है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है बिल्कुल सही है ए चार्ज पार्टिकल कैन अप्लाई फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल हाँ ये भी सही है चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा सेम होंगे तो रिपेल्शन होगा और अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा ग्रेविटी इज़ बहुत अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हाँ ये थोड़ा गलत है क्योंकि ग्रेविटीज जो होती है वो सदैव अट्रैक्टिव नेचर की होती है ग्रेविटी जो है वो रिपल्सिव नेचर में नहीं होती है तो ये जो थर्ड वाला है थर्ड वन ये ठीक नहीं है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीवस दर्थ यूनिट्स ऑर्बिटल ऑर्बिट अराउंड द सन बिल्कुल सही बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो ये अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में रहती है यानी इसके फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे 2021 में पूछा गया है इसको देखते हैं आ, कह रहा है मैच द कॉलम वन एंड टू लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टिटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन तो इसमें जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो तुम्हें क्लियर हो करेक्ट उसी को आप सबसे पहले जैसे रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से सदैव ज्यादा होता है सॉरी लेस देन होता है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो डी वाला ऑप्शन हमारा किस में हो जाएगा ए तो डी वाला हो जाएगा सेकंड में मैच हो जाएगा अब डी सेकंड मैच हो रहा है डी में और इसी प्रकार से जो सी है डायनेमिक फ्रिक्शन ये हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड वी स्टेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी और डी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है आपके साउंड से तो साउंड में कह रहा है बिच अप द फॉलोइंग सोजे प्लीजेंट साउंड चार ग्राफ दिए गए हैं इन ग्राफों में आपको देख के बताना है कि प्लीजेंट साउंड किसका है तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ प्लीजेंट साउंड का मतलब होता है म्यूज़िक प्लीजेंट साउंड किसको कहते हैं म्यूजिक म्यूजिक मतलब रेगुलर इंटरवल यहां पर जो हमको ग्राफ्स दिए गए हैं इनकी ग्राफ्स जो हैं वो इरेगुलर हैं ज्यादातर इसमें भी इरेगुलर है ये वाला भी इरेगुलर है ये भी इरेगुलर है ये भी इरेगुलर जो रेगुलर ग्राफ है वो फर्स्ट नंबर का ही है और जो म्यूजिक होता है उसके रेगुलर ग्रॉप्स होते हैं तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री के लिए एक पैरा दिया गया है इस पैरा को पहले स्टडी करते हैं रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एन अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यू एफ ओ लैंड ऑन ए प्लेनेट एट ए पॉइंट फाइव किलोमीटर एक प्लेनेट पे यू एफ ओ लैंड होता है ये मान लीजिए यू एफ ओ है फाइव किलोमीटर फाइव किलोमीटर अवे फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनो ये हमारा मान लीजिए वोल्केनो है जस्ट आफ्टर लैंडिंग ए वोल्केनिक इरप्शन इसके बाद लैंडिंग के बाद वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम द वोल्केनो एक्सप्लोजन एंड साउंड वाज़ रजिस्टर हंड्रेड सेकेंड यानी यहां से यहां तक जो साउंड का डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में हंड्रेड का टाइम लगता है टाइम पीरियड ऑफ वेव्स टाइम पीरियड दिया गया है इसका टू सेकेंड दो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं पहला क्वेश्चन कह रहा था स्पीड ऑफ द साउंड साउंड की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टोटल डिस्टेंस फाइव किलोमीटर थी तो फाइव किलोमीटर यानी कि फाइव थाउजेंड मीटर और टाइम इसको कितना लगा है वहाँ तक पहुँचने में हंड्रेड सेकेंड लगा तो डिवाइड कर दिया यानी फिफ्टी तो फिफ्टी मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड होगी पहला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एनअदर इस सदैव याद रखिए कि जब भी वेव चलता है तो वो मैटर को नहीं लेके जाता मैटर हेल्प करता है उसको मोशन में वट जो कैरी करता है वो सिर्फ होता है आपका एनर्जी एनर्जी ही ट्रांसमिट होता है मैटर जो है ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम वन प्लेस टू एनोदर लेवल टू इफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ फोर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स पी क्यू आर आर फाइव हंड्रेड ये 500 है P की Q की है 300, R आर की है 1200 और S की है 1050 थाउजेंड फिफ्टी हर्ट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट पी विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच देन ऑफ़ Q. पिच समझ लीजिए पहले पिच जो होता है ये बताता है कितनी सृल तीखी कोई भी साउंड पतली है या मोटी है ये डिपेंड करता है उसकी पिच पे और पिच जो होती है पिच वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे पिच डिपेंड करती है उसकी फ्रिकुनसी पे फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी तो जो फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा उतनी उसकी ज़्यादा पिच यहाँ पे कह रहा है पी विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच देन क्यू तो पी की जो पिच है वो क्यू से ज़्यादा है बिल्कुल सही बात है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी पहला यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा चलो आगे भी चेक कर लेते हैं पी विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच देन आर पी और आर में देखेंगे तो आर की ज़्यादा है यानी ये बात गलत स्टेटमेंट है फिर कह रहा एस विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच देन आर एस और आर एस uh, और आर नहीं एस की भी ज़्यादा नहीं है ये भी गलत है क्योंकि एस कम है वन थाउजेंड है ट्वेल्व हंड्रेड है क्यू विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच देन द अदर थ्री नो क्यू का अदर थ्री से ज्यादा नहीं है ये बात भी गलत है तो इसका ए स्टेटमेंट ही करेक्ट है नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आए केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट तो इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन एस्ट्रा रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट एनआदर एक्स्ट्रा बिल्कुल सही है एक स्ट्रोक को हम रब करते हैं तो वो दूसरे स्ट्रोक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ठीक है सेकंड इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ज बाय ए चार्ज बॉडी ऑन ए अनचॉर्ज बॉडी पहला तो सही है इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज एग्जेटेड बाई ए नहीं ये सही नहीं है इलेक्ट्रिसिटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटिक फोर्स कहते हैं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं स्टेटमेंट वन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट किसी वायर से जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगती है सही है करेंट कैरिंग कॉल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर अराउंड एन आयरन एन इलेक्ट्रोमैनेट ये भी है तो इसका ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सोहन कनेक्ट थ्री आइडेंटिकल वर्ल्व थ्री बाय बल्ब्स हैं एक्स वाई जेड इन आई सोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है इफ़ एक्स फ्यूज़ देन बल्ब एक्स वाई एंड जेड विल ग्लो एक्स मतलब ये फ्यूज़ हो गया तो करंट जो यहाँ से करंट चली थी आई वो जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इधर को जाएगी और ऊपर भी जाएगी ऊपर ब्रेक हो गया है सर्किट तो वो नहीं ग्लो करेगा यानी ये तो ग्लो करेगा ये ग्लो नहीं करेगा यानी ये गलत पहला चल है फिर क्या ये बाई इज़ फ्यूज वाई फ्यूज होगा तब भी वही केस है एक्स बिल्कुल नो ए वाई फ्यूज हो चाहे एक्स फ्यूज हो ये एको ग्लो नहीं करेंगे इफ़ जेड इज़ फ्यूज जेड फ्यूज देन बल्ब एक्स एंड बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि ये यदि हमारा फ्यूज़ हो गया तो करंट हमारी सीधे सर्किट कंप्लीट हो रहा है सीधे सर्किट कंप्लीट हो रहा है यानी एक्स वाई ग्लो करेंगे इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को डायरेक्ट क्वेश्चन है डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल टू का है फिल option. इन द्लैंक्स वाई चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन कुछ ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं इनमें से ये पर हमको चूज करके के फिल अप करना है एन एल ई डी में यूज इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन टेस्टर टेस्टर में हम एल ई डी को यूज कर सकते हैं बल्ब की जगह पर एल ई डी ग्लोव इवन भेन ए इलेक्ट्रिक करेंट यानी यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर पर डालना है क्या करंट फ्लो थ्रो इट क्योंकि एल ई डी जो होता है बहुत कम करंट से भी ग्लो कर जाता है इसलिए वीक यानी कि इन दो में से कोई हो सकता है वीक करंट भी होगा तो भी वो ग्लो करेगा देर आर टू वायर्स कार्ल्ड लीड्स अटैच टू एन एल ई डी जैसे एल ई डी है तो इसमें एक लीड बड़ी रहती है एक छोटी लीड रहती है तो इस तरीके से एल ई डी हमारा रहता है वन लीड इज़ ग्रेटर दैन द अदर ग्रेटर या लॉन्गर एक लीड जो है बड़ी होती है जो बड़ी होती है वो प्लस होती है छोटी वाली माइनस होती है तो वो लॉन्गर होगी यानी कि इसका ऑप्शन वी करेक्ट होगा लॉन्गर दैन द अदर वेन एन एल ईडीटेड टू ए सर्किट लॉन्गर एल ईडीज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पॉजिटिव में ऑलवेज कनेक्ट होता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा पॉजिटिव और शॉर्टर जो है वो कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल तो इसका ऑप्शन वी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कैरा बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन इलेक्ट्रोलिस द अमाउंट ऑफ मॉस डिपोजिटेड आर लिबरेटेड आइट एन इलेक्ट्रोड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन्वर्सली प्रपोर्शनल नहीं इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली होगा तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज टेकन एज एनोड इलेक्ट्रोड वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ट थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर गेट्स टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ठीक है इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है थर्ड क्योंकि इनोड से कैथोड पे जाकर के वो डिपॉजिट होता है नेक्स्ट है अगला सम नेचुरल फिनमिना ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट वेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट जब कोई बॉडी रेडिएट करती है, हीट तो जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो ऑब्जॉर्व हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है ऑब्जॉर्व भी हो सकती है रिफ्लेक्टेड भी और ट्रांसमिटेड भी हो सकती है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट कराइए फिर अर्थ कोएक्स आकर देन इट में कॉज अर्थ कोएक जब आता है तो उसमें से सुनामी भी आ सकता है समुद्र के अंदर अर्थ है अर्थ मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो सुनामी भी हो सकता है फ्लड्स भी हो सकता है सुनामी फ्लड्स या लैंडस्लाइड भी हो सकता है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है तीनों में से कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर है लाइट पहला क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा इफ द वॉल इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स एंड देर आर नाइन इमेजेस फॉर्मड इसका एक फॉर्मूला होता है ये याद रखिए थ्री अपॉन थीटा माइनस वन तो यहाँ पे दिया गया इज इक्वल टू नाइन नाइन उधर जाएगा तो ये वन इधर जाएगा तो टेन हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री सिक्सटी अपॉन टेन और दैट इज़ थर्टी सिक्स तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्टी सिक्स यानी कि थर्टी सिक्स डिग्री आएगा थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा माइनस वन फॉर मायोपिक आई द डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाई मायोपिया मायोपिक आई को जो होता है हम कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इस टेन एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है टेन कह रहा है कि इट प्रोड्यूस इरेक्ट एंड इन लार्ज इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के बीच में हम रखते हैं तभी इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट होता है होता है इरेक्ट इमेज बनता है यानी कि तो अब कहाँ पे हमने रखा है उसको फाइव सेंटीमीटर यानी यदि हम उसको फाइव सेंटीमीटर पे रखते हैं तो उसका इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगा टू मिरर्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज सोन इन द फिगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन मिररर यहाँ एक केस दिखाया गया है कि दो मिरर हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं इस तरीके से और एक रे यहाँ पे आ रही है तो दूसरी रे जो है ये किस तरीके से जाएगा ये मान लीजिए इस तरीके से यहाँ गया अब यहाँ से ये, ये मान लीजिए हमने इसमें परपेंडिकुलर इसका खींचा तो इस तरीके से ये चली गई तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ये दिया गया है 65 डिग्री अब क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल है ये इसके पैरलेल होगा और ये वाला नॉर्मल है ये इसके पेरेल होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पैलेलो बन रहा है ये क्या बन रहा है एक पेलेलो बन रहा है तो पैरेलो में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो यहाँ पे ये सिक्सटी फाइव है तो ये वाला भी सिक्सटी फाइव होगा ये सिक्सटी फाइव है तो इसका अपोजिट वाला इधर ये ट्वेंटी फाइव होगा तो ये ट्वेंटी फाइव है तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव यानी कि यहाँ पे जो ये आएगी तो ये इस एंगल के इक्वल होगा और ये हमने निकाल लिया है ट्वेंटी फाइव आ रहा ये कितना है ट्वेंटी फाइव क्योंकि सिक्सटी फाइव इधर वाला है तो इधर ट्वेंटी फाइव होगा नॉर्मल इधर नाइन्टी डिग्री होता है तो दिस इज़ ट्वेंटी फाइव डिग्री यानी कि यहाँ पर ये ट्वेंटी फाइव डिग्री आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉन्वैक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है रियर व्यू के रूप में रियर व्यू यानी कि क्यू आपका हो जाएगा इसमें कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस सॉरी ये उल्टा हो रहा है कॉन्वेक्स hmm, लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पी टू थर्ड यानी कि पी थर्ड होगा पी थर्ड किसमें है यानी कि ये वाला है और क्यू नो 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 कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग यानी कि Q थर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया गया पी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है यानी कि एस फोर तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा एस फोर क्यू थ्री पी पी जो होगा कॉन्वेक्स मिरर वो रियर व्यू के रूप में इस्तेमाल होता है यानी पी सेकंड हो जाएगा और बचा है हमारा आर कॉन्केव लेंस जो होता पी है पी होल कैमरा यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें बहुत सावधानी से मैच करना है आप जानते हुए भी इधर उधर गड़बड़ हो सकता है नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए सिस्टम ऑफ टू मिरर्स इन एट थ्री वन ट्वेंटी डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं यदि सेमेट्रिक होता है जैसे सीमेट्रिक का मतलब सिक्सटी डिग्री पे यदि कोई इमेज होता तो तो टू इमेजेस बनते हैं जो हमारा थ्री सिक्सटी अपन थी माइनस वन था वो होगा यहाँ पे ये सिमेट्रिकली नहीं एसीमेट्रिक रखा है यानी जो मिडिल लाइन है उससे इधर उधर रखा है तो इसके यहाँ पे तीन इमेज बनेंगे यानी थ्री सिक्सटी अपॉन थीठा यहाँ पे एंगल लगेगा ये ध्यान देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसीमेट्रिकली है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पिक्चर शोन विलो एक्स रिप्रेजेंट्स होल बाई रिप्रेजेंट्स एक्स आप देख रहे हैं सबसे बाहर पार्ट है तो जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो कहलाता है कर्निया और जो अंदर वाई पार्ट है ये हमारा लेंस कहलाता है तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट है स्टार एंड द सोलर सिस्टम द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज माइनस फोर्टी डिग्री देन दिस टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल याद कर लीजिए इसको डायरेक्ट है माइनस फोर्टी डिग्री ही वो टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होते हैं तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आएगा माइनस फोर्टी डिग्री एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन देखिए जो हमारी अर्थ है वो कुछ टिल्ट है कितनी टिल्ट है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री टिल्ट है तो ये ये जो एंगल है ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री और ऑर्बिटल प्लेन जो होता है वो इस तरीके से होता है ये मान लीजिए ऑर्बिटल प्लेन है इसका तो इसके उसके बीच का एंगल कितना है तो इसको नाइन्टी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फ़ाइव यानी कि ये जो एंगल आएगा ये आएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव करेक्ट इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चंस की ही बात करेंगे I hope these questions will help you for your, your preparation in uh, your exam, uh, Science Olympiad, and also in Vidyarthi Vigyan Manthan. Thank you.